नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांग। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी ने 17 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। अहम यह है कि ब्रजेश पाठक की सीट को बदल दिया गया है। अब लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिया गया है। 17 प्रत्याशियों के नाम है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसी के साथ यह है कि सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह का भी टिकट कटा है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित उनका भी टिकट कटा है। तो ये बड़े नाम हैं जिनको आप देख रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं दिया गया है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि ब्रजेश पाठक की सीट को बदल दिया गया है। तो 17 प्रत्याशियों की ये जो नई लिस्ट जारी की गई है उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बार आप देखें ये जो 17 नाम है 17 सीटों पर, तो लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को टिकट दिया गया है। सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक चुनावी मैदान में दिखेंगे आपको। सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से 17 प्रत्याशियों की यह नई लिस्ट है। नीरज बोरा आपको लखनऊ उत्तर से लड़ते हुए देखेंगे। लखनऊ पूर्व में आशुतोष टंडन है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को उतारा गया है। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक रहेंगे। मोहनलालगंज से आप देखा अमरीश कुमार हैं। कुछ और जगहों के भी नाम हैं। महोली में, सीतापुर में राकेश राठौर, सिधौली से मनीष रावत, भगवंत नगर से आशुतोष शुक्ला, जया देवी मलिहाबाद से, बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला। तो ये 17 प्रत्याशियों के नाम हैं जिनका ऐलान किया गया है। और ये नई लिस्ट है क्योंकि इसमें कुछ सीट्स ऐसी हैं जिनको बदला गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से जो सीट है वो दी गई है। और इस सीट को लेकर के लगातार जो तमाम दावेदारियां हैं वो की जा रही थी, क्योंकि ये कैंट वाली जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से परंपरागत सीट के तौर पर आप इसको मान सकते हैं। और इसलिए हर कोई चाह रहा था कि टिकट लखनऊ कैंट से मिले। और अब ब्रजेश पाठक को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि स्वाति सिंह जो कि मंत्री थी योगी सरकार में, उनका टिकट कटा है और उनकी जगह पर राजेश्वर सिंह जो कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा स्पीकर उनको टिकट नहीं मिला है। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुल ये 17 नाम हैं जिनके नाम का ऐलान करते हुए 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजेंद्र पटेल जहानाबाद से, चित्रकूट से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला, महुली से शशांक त्रिवेदी, सीतापुर से राकेश राठौर, लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का टिकट कटा। तो 17 प्रत्याशियों के ये नाम हैं, ये लिस्ट है जो कि जारी की गई है। ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य हैं, जहानाबाद से राजेंद्र, महोली से शशांक त्रिवेदी हैं, सीतापुर से राकेश राठौर, जया देवी मलिहाबाद से हैं, योगेश शुक्ला बख्शी का तालाब से, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से, लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव, लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा, लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक, मोहनलालगंज से अमरीश कुमार, ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य। ये 17 नाम हैं जिनके नाम का ऐलान आज किया गया है। तो स्वाति सिंह जो कि सबसे ज्यादा चर्चित रहीं 2017 में, न सिर्फ चुनाव जीतनी है बल्कि उनको मंत्रालय भी दिया जाता है। लेकिन 5 साल का कार्यकाल होने के बाद जिस तरह से उनके और उनके पति के बीच में तमाम अनबन की खबरें आईं, उसके बाद उनका टिकट भी अब इस बार कटा है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रजनीश, 17 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की गई है, कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं, कुछ नए नाम हमको इसमें नजर आ रहे हैं, इस लिस्ट को कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे चौंकाने वाला नाम है सरोजनी नगर के स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। इनके पति ज्वाइनिंग कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं
और साथ ही इनके ये जब 2017 में बसपा से इनके पति का विवाद हुआ था तो इसमें इनको टिकट मिला था, ये मंत्री हो गए थे, लेकिन बाद में इनका बड़बोला, इनका कह सकते हैं कि जो ये बड़बड़ के बयानबाजी करती थी, कहीं ना कहीं वो भी बड़ा रीजन बना इनका टिकट काटने में। बाद में पति के साथ विवाद बड़ा चर्चा में रहा। और दूसरा जो सबसे नाम चौंकाने वाला है कि ब्रजेश पाठक जी को टिकट मिला है, कैंट में मिला है, जिस तरीके से कैंट पर रसाकसी चल रही थी, बड़े बड़े नामों का कयासबाजी सुराकसी लगाया जा रहा था, तमाम चैनलों ने सूत्र के हवाले से रोज नाम चला रहे थे, लेकिन ब्रजेश पाठक का नाम चौंकाने वाला कैंट से है, क्योंकि माना जा रहा था कि उनके कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। रजनीश गुप्ता नया नाम है, एक सुरेश श्रीवास्तव विधायक होते थे उनके जगह उनके लड़के का नाम है, जो इंतजार था भारतीय जनता पार्टी को, उस पर रोज कैसबाजी होती थी, और जब भी बड़े नेता की पीसी होती थी पत्रकार जरूर सवाल पूछते थे कि आखिर लखनऊ की कब सीटें आएगी, तो वहां के नेताओं का जवाब देते नहीं बनता था कि आखिर उनके पास जवाब क्या होगा, क्योंकि तमाम तरीके की खबर रोज चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट बचेगा, लेकिन आज तस्वीरें साफ हो गई। बिल्कुल रजनीश, लेकिन हृदय नारायण दीक्षित का भी टिकट कटा हुआ है, इसको लेकर के क्या आप जानकारी? देखिए, हृदय नारायण दीक्षित पर उन्हीं के कास्ट के समायोजन किया गया है, एक अच्छी बात है कि जिसका जो समायोजन की जो इन लोगों का एक तरीका है, लेकिन वो भी 75 के अबव हो गए थे, वो अपने लड़के के लिए पैरवी कर रहे थे। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर एक खबर चला था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला तय किया है कि किसी उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जिनके पिताजी, हालांकि राजनाथ सिंह को अपवाद में हम लोगों ने चलाया था कि राजनाथ सिंह के लड़के राजवीर सिंह के लड़के का टिकट मिल गया है, जो कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह, तमाम तरीके थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी को यह फार्मूला बदलना पड़ा। आप उठा के अगर लिस्ट देखेंगे तो जो वो चर्चा थी कि हृदय नारायण दीक्षित अपने लड़के के लिए देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने जो इस बार दो तीन जो नाम चौंकाने वाले आए हैं, मैं कह रहा हूं गुप्ता, रजनीश गुप्ता, ये सब नाम चौंकाने वाले जरूर। बहुत शुक्रिया रजनीश, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।